हाय एवरीवन। तो यार आज जो है ना, जो ईसरल की रिवॉल्यूशन ट्रायलॉजी है, एक और दो को जो धमाके हुए वो आपने देख लिए। आज 17 अक्टूबर को इस ट्रायलॉजी का 3.0 मतलब रिवॉल्यूशन 3.0 आज आपके साथ हम लेने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आज एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम का आज दी एंड होने वाला है। तो यार हम बहुत एक्साइटेड हैं। पिछले 3-4 महीने से इस चीज के ऊपर काम चल रहा था। जैसा ईसरल हमेशा करता है कि आपके सामने लॉन्च करने से पहले काफी सारे जो इसके कैंडिडेट्स हैं वो इसको यूज कर चुके हैं, इसका फायदा उठा चुके हैं, उसके रिजल्ट हम देख चुके हैं, तब ये चीज अब हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो सारांशर देखो, अपन ने 1 तारीख को रेकलाइव लॉन्च किया, रिवॉल्यूशन 1.0 मतलब इससे सर एक नए आयाम ऐड हो गए हैं, वो होता है ना, एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है बच्चे की पढ़ाई में। जो पर्सनलाइजेशन से हमने लगातार, एनके सर ने 35+ ईयर्स में, आपने 9+ ईयर्स में, मैंने 5+ ईयर्स में, अर्पित सर ने और भी इतने टीचर्स ने जो पर्सनलाइजेशन की ताकत से इतने बढ़िया रिजल्ट आते हुए देखे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ी चीज, इंडिया का पहला रेकलाइव मॉडल जहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं, सारे बच्चे जानते हैं सर इसके बारे में, आपकी और ऐड हो गई हैं, वो आपको मिला। और इसके रिजल्ट सर डेली बेसिस पर अपन देख रहे हैं, इतने जबरदस्त अमेजिंग आ रहे हैं। बच्चों का स्टडी आवर्स की बात हो या उनकी इफेक्टिवनेस की बात हो या उनके टेस्ट में नंबर की बात हो, सारी चीजें इससे बहुत अच्छे से इंप्रूव और इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर सर 2 अक्टूबर वाले के बारे में आप बताएं। इसके लिए सारांशर ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई कोटा में बहुत बहुत स्वागत है बच्चे का। बिल्कुल, रिवॉल्यूशन 2.0 भाई, रिवॉल्यूशन 2.0 में यार ELC ईसरल लर्निंग सेंटर्स आप लोगों के लिए खोले गए यार। कोटा से उसकी शुरुआत हुई, आपका बहुत प्यार मिला, काफी सारे बच्चे इस फैसिलिटी को कोटा में आकर यूज कर रहे हैं। ये इसलिए खोला गया था यार, जिन लोग को लगता था कि सर एक सेंटर भी दे दो, पढ़ाई वैसे तो बढ़िया चल रही है, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, ऑल वॉज वेल, ऑल इज वेल, तो बच्चों ने बोला सर हमको एक सेंटर भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो लो भाई, सेंटर भी आ गया और इतने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। तो इट हैज प्रूवन ऑलरेडी सक्सेसफुल, ईसरल लर्निंग सेंटर ने बच्चों की काफी प्रॉब्लम सॉल्व करी और वो ऑलरेडी एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल की तरह से सामने आया है। मतलब मैं 2-3 चीजें इसकी चेक, मतलब जो यहाँ पे चल रहा है वो आपको बता दूं। यहाँ पे डेली बेसिस पे बच्चों का कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो और कॉम्पिटिशन भी किसका, कि भैया कौन कितना पढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे सर जो 6-6, 8-8 घंटे पे अटके हुए थे, जिनका वो बेंचमार्क क्रॉस ही नहीं हो रहा था, कल मैं गया था, परसों सेंटर पे गया था, तो वहां पे बच्चे अब डेली 12 से 14 घंटे तो ऐसे निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरा बाजू वाला पढ़ रहा है तो मेरे को समझ में आ जाता है यार मैं पीछे हो रहा हूं, तो मैं भी उसको देखकर पढ़ लेता हूं। रेगुलर सर होमवर्क चेक हो रहा है, सरप्राइज टेस्ट भी बहुत जल्दी होने वाला है, फुल ऑन मॉनिटरिंग चल रही है, आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, इनके सर जा रहे हैं, अंशुमन सर जा रहे हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशन हो रहा है, मतलब बच्चों को बहुत मजा आ रहा है ये सेंटर्स पर बैठकर। शुरुआत कोटा से है और बहुत जल्दी भारत भर में हम इन सेंटर्स को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अब अगला क्या है सर ये, अरे ये क्या हुआ बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये तो सर मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे से पापा रोज पूछते थे। ये भाई आज अब सरप्राइज रिवील करने का मौका है। ये ऐसा सवाल है, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, जो यार आप रोज सुनते होंगे, मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में, मम्मी पापा भैया जो भी गार्जियन है, और कई बार तो रिश्तेदार भी जिनको शायद कुछ लेना देना नहीं होता, तो भी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ये रोज सुनते होंगे। मतलब हर माँ बाप ऐसे होंगे, हर गार्जियन ऐसे होंगे जिन्होंने एक ना एक बार तो सवाल पूछा होगा, और हर बच्चा ऐसा होगा जो एक ना एक बार तो सवाल ये फेस करता होगा। और इसका आंसर क्या आता है, पापा ठीक चल रही है, मम्मी ठीक चल रही है। अब वो ठीक में कितना ठीक है, ये आपको अपनी अंदर की बात पता होती है, ठीक है ना। तो देखो यार, आज रिवॉल्यूशन 3.0 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है, इसका आंसर है, इसका आंसर है, आपकी पढ़ाई और जबरदस्त होने वाली है आज रिवॉल्यूशन 3.0 के बाद में। देखो यार, आपके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा कंसर्न और कोई नहीं, आपके पेरेंट्स ही होते हैं। देखो यार, पेरेंट्स मतलब
पूरा अपने जिंदगी का सपना जो है ना आप में संजो देते हैं पूरा यार। वो आपकी सक्सेस होती है ना इतनी उनको खुशी होती है जिसका ठिकाना नहीं होता। अभी रिजल्ट्स आए अपने, है ना, पेरेंट्स से जब बात करी मतलब वो इतने गदगद थे, फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि यार उनका सपना ही आप हो, वो जीते भी आपके लिए ही हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही सोचते हैं, करते हैं, प्लानिंग करते हैं। आप सोच कर देखो यार, बचपन से लेकर आज तक हमको पढ़ा रहे हैं वो, है ना, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि यार वो आपकी कुछ एक मदद कर पाए। जो भी जितना भी वो आपकी मदद करने की शक्ति रखते हैं ना, वो आपकी मदद कर पाए। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो वो यार उससे आपको बाहर निकाल पाए। दे केयर फॉर यू, इसलिए ये सवाल पूछते हैं। रोज आपका पड़ोसी आपसे आके सवाल नहीं पूछता, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। रोज आपके कोई जो आप जिनसे आपको मतलब नहीं, रोज आपसे नहीं पूछते हैं सवाल, ना ही वो आपके लिए इतना केयर करते हैं जितना आपके पेरेंट्स करते हैं, पर आपके टीचर्स आपके लिए करते हैं। तो यार पेरेंट्स जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो उनके पीछे उनकी मदद करने की मंशा होती है, वो आपके लिए केयर करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है, मेरे इतने साल के करियर में मैंने देखा कि सर मतलब जो पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं ना, उनको इसका आंसर नहीं मिल पाता है। सर इतने मतलब होता है ना, लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, से एक सिंपल सी चीज जानने के लिए कि जो उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके अपने बच्चे, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सर इतनी बार होता है कि अगर पेरेंट्स को सही टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है या उसको तकलीफ है, तो उस बच्चे को एक्स्ट्रा रिसोर्सेस प्रोवाइड करने से पहले पेरेंट्स एक बार भी नहीं सोचेंगे। यार आपके टीचर्स के पास जाने से पहले पेरेंट्स एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप तो फिर भी सोच लोगे मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, ये क्या हो जाएगा, पर यार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि यार मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, आप मेहनत कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर इतना मैंने देखा है, दूर दूर के शहरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब फोन किया साहब तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रही है। बोल देते हैं हाँ टेस्ट में नंबर आएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, वो देख लेना। अरे तो पर टेस्ट में नंबर आना तो एक रिजल्ट है, मेरा बच्चा डेली क्या कर रहा है, वीकली चलो मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को वीकली बता दो कि कितनी पढ़ाई हुई कितनी नहीं हुई। या फिर मेल्स भेज रहे हैं सर, मेल्स के रिप्लाई आते हैं एक महीने बाद, तब तक पूरी गाड़ी छूट चुकी होती है। जब तक पता चलता है कि बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही है, जब तक इतना लेट हो जाता है, खासकर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना मुश्किल होता है कि एक एक हफ्ते में बच्चे की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। फोन कॉल्स करते रहते हैं, चार अलग अलग जगह पर पूछते हैं, मतलब सर पहली बात तो टाइम की इतनी कमी, उनका खुद का पूरा काम रहता है, पूरे बिजी रहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वो जब भी निकालते हैं इतनी मुश्किल हो जाती है। सर मैंने देखा है पेरेंट्स भी मतलब परेशान होकर ये बोल देते हैं कि ठीक है यार अब जो हो रहा है, जो तू बोल रहा है वो सही है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, पर मैं सही बता रहा हूं यार आप लोगों को, अगर आपके पेरेंट्स के पास सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच जाएगी ना सर, हजारों बच्चों का जो करियर बिगड़ जाता है, जो उनकी रैंक्स बिगड़ जाती है, सिलेक्शन नहीं होता, वो बच जाएगा। क्योंकि कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। सर क्या होता है, हम भी जब उस उम्र के थे तो लगता था यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए सब करेगा वो करेगा, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो रियलाइज होता है यार सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सही में हितेशी होते हैं, सगे भाई बहन, माता पिता, या जो एक्चुअल में ट्रू वाले गार्जियंस होते हैं वो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि सर पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बिल्कुल उसका सलूशन हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। तो यार अब क्या है, ईसरल में वी आर वेरी लकी कि हमारे पास सारान सर जैसे लोग हैं, ऑल इंडिया रैंक 41 यार, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से इन्होंने किया है, तो टेक की जो नस होती है ना वो इनके कब्जे में रहती है हमेशा। अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस दोबारा, तो इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन जो अपना इंजीनियरिंग का कॉलेज है उसकी भी बेस्ट ब्रांच, तो ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच से इन दोनों ने किया है। हम इनके पीछे पड़े रहे कि सर ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो फाइनली इन दोनों ने और ईसरल की पूरी टेक टीम ने, जो भी इनके बराबर ही टैलेंटेड है, इनके बराबर ही मचाऊ है, जो एकदम फोड़ के काम करती है, उन्होंने एक सोल्यूशन लाके दिया, और वो सोल्यूशन है ईसरल की पेरेंट ऐप। सर बहुत सारे अपने बच्चे हैं एनरोल्ड कोर्सेज के जिनके पेरेंट्स के पास ये ऐप ऑलरेडी है, क्योंकि हम पहले यार सब टेस्ट करते हैं, उसका यूजेज देखते हैं, उसकी सर एप्लीकेशन देखते हैं कि बच्चे को एक्चुअली में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इसका हमने फायदा देखा ना, और जब वो पेरेंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा कि बच्चों की सर गाड़ी पटरी पर आने लगी है,
वो तुरंत मेंटर से बात कर लेते हैं कि यार इसके टेस्ट में शायद उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप देखो। कुछ कुछ बच्चे हैं सर जिन्होंने एक डेढ़ महीने में जब से ये चीज लॉन्च हुई है पेरेंट्स के पास 20 से 30 नंबर इंप्रूव कर लिए हैं, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं टेस्ट एनालिसिस करने के लिए, मोटिवेट करते हैं डेली अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने के लिए। तो यार मतलब इसका इतना तगड़ा इंपैक्ट आ रहा है ना, तो फिर इसलिए आज जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए हम ये चीज लॉन्च कर रहे हैं। तो सर कहां मिलेगी, कैसे होगा, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप बताएं। बिल्कुल, तो यार देखो ई सरल की पेरेंट ऐप लॉन्च कर दी है, इसको आप पेरेंट ऐप बोलो, गार्जियन ऐप बोलो। ये देखो यार जो सर ने बोला ना, मेरे एक्सपीरियंस से क्या होता है, जो हमने देखा इतने सालों से, एनके गुप्ता सर का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, यार बच्चा सबसे पहली गलती जब करता है ना, जब वो मतलब जनरली कहीं गलत उसमें फंस जाता है या पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो बता नहीं पाता है। और गाड़ी सही चल रही होती है जब तक सही है, लेकिन वो डेविड होता है ना, तो वो पहला इंसिडेंस ही होता है जहाँ से उसकी गाड़ी पटरी से उतरती, तो बता नहीं पाता है मैं कितना पढ़ पाया, मैं क्या हुआ, संकोच होता है बच्चे के मन में माँ बाप को बताने में। अगर माँ बाप को सही समय पर पता पड़ जाए ना, हाँ यार ये बच्चा इस समय डेविएट हो गया, नहीं पढ़ा इस हफ्ते, इस दिन नहीं पढ़ा ये, तो वो तुरंत आपको संभाल लेंगे। आपके बिना बताए अगर उन्होंने सही समय उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ना, यार ये नहीं पढ़ा तीन दिन तक, तो वो आपसे पूछ लेंगे बेटा क्या हुआ, तू पढ़ा क्यों नहीं, और फिर अपने आप आपका कम्युनिकेशन उनसे सुधर जाएगा। इसीलिए हमने सोचा यार पेरेंट्स को हम एम्पावर करें कि वो अपने टाइम पे जब चाहें आपका जो पूरा पाथ चल रहा है वो देख पाए, वो भी एक सिंगल क्लिक पे, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सबके पास मोबाइल होता है, उसमें एक क्लिक करके वो आपकी पूरी जो कहते हैं ना जन्मपत्री देख लें कि यार आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कितने टेस्ट दिए, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, ताकि वो आपकी और बेटर तरीके से मदद कर पाए। उसके लिए लेके आए हैं ई सरल पेरेंट्स ऐप। कई बच्चों को लग रहा होगा सर पहले ही बहुत जूत पड़ते हैं घर पे, मार पड़ती घर पे, आप ऐसा टूल दे दोगे तब तो और धमाकेदार पिटाई होगी। नहीं यार, वो आपका भला ही चाहते हैं, पिटाई हो भी जाए तो आपके लिए भले के लिए ही होगी वो। देखो यार बच्चे की लाइफ में टीचर्स, ई सरल में तो मेंटर्स और पेरेंट्स, ये तीन लोग जो है ना, मतलब यार आपकी लाइफ बनाने में लगे हुए हैं, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके पेरेंट्स, तो सबको एम्पावर करना है हमको। तो आपको पेरेंट्स को, आपके गार्जियन को एम्पावर करने के लिए हमने एक अलग ऐप लॉन्च करी है प्ले स्टोर पे, ई सरल पेरेंट्स ऐप है ना। देखो अपनी नॉर्मल जो ऐप है, जो पढ़ाई वाली ऐप है, स्टूडेंट जो ऐप है, ई सरल जेई नीट क्लास 9 and 10 प्रिपरेशन ऐप, ये अलग ऐप है, पेरेंट ऐप एक अलग ऐप है। आप इसको सर्च करोगे प्ले स्टोर पे ई सरल पेरेंट्स ऐप, तो सेम आइकन वाली ई फॉर पेरेंट्स ये वाली ऐप मिलेगी। इसके अंदर अब क्या क्या फीचर्स हैं, शुरुआत कहां से हुई है वो देखते हैं। सिंगल क्लिक पे एक बार इंस्टॉल करने के बाद, एक बार आपका फोन नंबर डाल दिया जिससे आप रजिस्टर्ड हो, फिर उसके बाद सिंगल क्लिक पे जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है वो अभी क्या क्या चीजें देख सकते हैं ना। देखो इसमें वो आपने किस टाइम से किस डेट तक, किस डेट से किस डेट तक कितना टाइम स्पेंड करा है, किस किस सब्जेक्ट में अभी तक, और टोटल टाइम आपने कितना स्पेंड करा है, वो पूरा डेटा देख सकते हैं। वो यहाँ पर डेट डाल के भी देख सकते हैं, उनको कल से लेकर आज तक देखना है, उनको 7 दिन का देखना है, उनको महीने भर का देखना है, और पूरी आपकी अभी तक ई सरल की जर्नी में आप कितने आर्स पढ़े हो वो आपका यहाँ पर पूरा डेटा वो देख सकते हैं। उससे उनको आइडिया मिल जाएगा यार हाउ मच यू आर डूइंग और आपकी ट्रैक कैसी चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में कभी भी नहीं जाना चाहते कि यार तूने कौन सा सवाल किया, क्या हार्ड लग रहा है, उनको ये इंश्योर करना होता है कि ये नंबर ऑफ आवर्स तो पुट इन कर रहा है ना, पहली चीज आप पढ़ रहे हो कि यार अगर मान लो मैं 9th-10th का बच्चा हूँ, मेरे लिए 4-5 घंटे पढ़ना जरूरी है, तो तू 4-5 घंटे पढ़ रहा है ना, क्योंकि यार सबको पता है मेरे बच्चे में इतनी काबिलियत है कि अगर उसको जितना पढ़ने के लिए जरूरी है वो उतना पढ़ेगा तो कुछ बहुत अच्छा ही करेगा। मैं जेई नीट का एक बच्चा हूँ, मेरे 8-10 घंटे पढ़ना मेरे लिए कंपलसरी है, तभी मेरा कुछ होगा। तो वो मोस्टली इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज सर जो इंटरेस्ट की उनकी रहती है वो रहता है टेस्ट में कैसा चल रहा है। तो इसमें आपके पेरेंट्स को आपकी कंप्लीट टेस्ट की रिपोर्ट भी मिलती है, टाइम के साथ साथ इसमें आपकी कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पेरेंट्स को मिलती है कि भाई जैसे ही ट्रांसफर का जो एडवांस का टेस्ट हुआ 22 नवंबर को इस बच्ची ने दिया था और उसके 63 में से 40 नंबर आए, जेई मेंस का टेस्ट हुआ 100 में से इतने नंबर आए,
फिर जी एडवांस का टेस्ट दिया, जी मेंस का टेस्ट दिया, रिव्यू टेस्ट दिया, तो पूरी एक एक टेस्ट की एक्टिविटी बच्चे की ट्रैक हो जाएगी। तो यार अब देखो कितना इजी हो गया है पेरेंट्स के लिए। जैसे ही आप ट्रैक से भटकोगे, आपके स्टडी आवर्स कम होंगे, आपके पेरेंट्स आपके पास आ जाएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, या आपके मेंटर्स को बता देंगे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप प्लीज बच्चे से बात कर उसको पढ़ाओ। मतलब यार हम ईसरल में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। पर्सनल मेंटरशिप ऑलरेडी था, प्रोग्रेस मेंटरशिप ऑलरेडी था, प्रिंसिपल मेंटरशिप ऑलरेडी था, सुपर मेंटरशिप ऑलरेडी था, अब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए ये एक एडिशनल एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है। पर सर मेरे लिए इस ऐप के जो सबसे बड़े मायने हैं वो है पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड। मतलब सर पेरेंट की जो जिंदगी निकलती है ना जब उनका बच्चा प्रिपेयर करता है, उनके लिए हर एक दिन एक अग्नि परीक्षा होता है, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं पड़ रहा मेरा बच्चा कैसा पढ़ पा रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ उस चीज के लिए, और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब उनको डर नहीं रहेगा, उनको पता है कि हाँ ठीक है, मेरे को जब लगेगा मेरे बच्चे का सिम्टम ऐसा है कि वो नहीं पढ़ रहा, तो मैं एक्चुअली में डेटा के साथ चेक कर लूंगा जाके। तो उनको एक तो पीस ऑफ माइंड आ गया। अब अगर कुछ खराबी मिलती भी है तो उनके पास इसरल के मेंटर्स के नंबर होते हैं, वो सीधा जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये देखो शायद बच्चा उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, आप प्लीज जाकर इस बच्चे को हेल्प करो। ये दो चीजें सर पेरेंट की सॉल्व हो गई, एक तो पता लग जाए कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, और अगर कुछ ऊंच नीच चल रही है तो मैं किसी से हेल्प मांग लूं जो मेरे बच्चे को दोबारा ट्रैक पर लेकर आ सके। मतलब नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, नंबर भी अवेलेबल, जिस बच्चे का जो मेंटर है उसका नंबर भी पेरेंट को इसी ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्लिक करते ही मेंटर को कॉल कर सकते हैं वो। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है पेरेंट्स को, तो बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं एक बार बता देता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। भाई इसमें क्या है कि जब आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे इसरल पेरेंट्स ऐप, तो वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपके स्टूडेंट ने, मतलब आपके बच्चे ने जिस नंबर से इसरल की ऐप पर रजिस्टर किया था, वो नंबर आप यहां पर जब डाल देंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर कर दीजिएगा, डायरेक्टली इस तरह की स्टडी रिपोर्ट आपके बच्चे की खुल जाएगी। ये वन क्लिक है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिनके दो या तीन बच्चे अपने से पढ़ते हैं, एक 9th-10th में है, एक 11th-12th में है, तो आप दोनों बच्चों का इसमें स्टडी रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप मेंटर से बात कर लें, वो आपको डिटेल में पूरा समझा देंगे कैसे होगा क्या होगा। बट सर मतलब मैं बहुत सारे केसेस अपने जो इस बार रिजल्ट आए, जो जेई एडवांस के रिजल्ट आए चाहे नीट के रिजल्ट आए, उसमें सर मैं आपको बताना चाहूंगा इतने सारे केसेस हैं। जैसे आयुष का मेरे को पता है, आयुष की मदर डॉक्टर है, वो जब ये नहीं पढ़ रहा था इतनी चिंतित हो जा रही थी, इतना वो हो जा रही थी कि वो फिर मेंटर्स से बहुत बार बात कर करके पूछती थी कितना हुआ क्या हुआ, मेंटर्स उनको पूरा बताते थे। ठीक है, वो चीज अब हर पेरेंट के लिए और भी ज्यादा आसान हो गई है। चाहे वो हीरल हो, हीरल के भी पेरेंट्स रेगुलरली उसके मेंटर्स के टच में रहते थे कि भाई क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। इन बच्चों की सक्सेस जर्नी में इनके पेरेंट्स का इतना जबरदस्त रोल है, इतना जबरदस्त इनके पीछे इनके पेरेंट्स ने भी काम किया है अलॉन्ग विद टीचर्स एंड मेंटर्स, कि यार हमसे रहा ही नहीं गया, हमने सोचा यार ऐसे पेरेंट्स को एम्पावर करना ही है। आपकी सक्सेस में जितना आपका हाथ है ना, उसके बाद सबसे बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का है। उन्होंने आपको अपब्रिंगिंग दी, उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ रिसोर्सेज जनरेट किए, आपको कहीं अच्छी जगह पर उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा। तो ये चाहे सर जे एडवांस के बच्चे हो, इन रिजल्ट्स की बात हो जो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए, वो जैसा हम बोलते हैं हमेशा एक ट्राइंगल से ही हो पाता है, मेंटर्स टीचर्स और पेरेंट्स, और सेंट्रॉइड में बैठा होता है बच्चा। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रॉइड और ट्राइंगल बहुत अच्छे से काम करता है तो सर फिर ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं जहां पे कोई भी बच्चा हो, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट से लेकर एवरेज से एवरेज, वो बच्चा भी बहुत अच्छा करके जाता है। सर 150 प्लस बच्चे की 99% अबव आई जेई मेंस में, 70% से ज्यादा बच्चा क्वालिफाई हो गया, 450 से ज्यादा बच्चों की 95% प्लस आई। मतलब इतने अमेजिंग रिजल्ट्स में सर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और सर ये तो जेई के रिजल्ट्स हैं, ये बच्चे सर अंतरा की कहानी सबको पता है, कैसे इसके पापा इसकी पढ़ाई में डेली बेसिस पे इन्वॉल्व होते थे। उनके पास ऐसा टूल होता तो उनको इतना सर हेडेक बच जाता, उनको इतना वो, मतलब मेंटर्स उनको डेली बताते रहते थे, बट एक वो पीस ऑफ माइंड होता है ना, प्रोसेस देखो, प्रोसेस बहुत आसान हो गया पेरेंट्स के लिए। और यार ये ध्यान रखना, बच्चे ही उम्र सोचना सर ये तो पेरेंट्स अब कभी भी कान पकड़ सकते हैं। यार उनका एम, हमारा एम, आपके मेंटर्स का एम, सबका एम,
आपको यार सही जगह पहुंचाना है, दैट्स ऑल। तो यार पेरेंट्स की लाइफ भी एकदम आसान करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी इसकी जो है बच्चों पे ऑलरेडी ट्रायल हो चुकी है। ये जो ऐप है बच्चों, एक चीज़ है, ये ऐप ईसरल के जो कोर्सेज में इनरोल्ड हैं उन्हीं के पेरेंट्स अभी यूज़ कर पाएंगे इनको, क्योंकि उन्हीं का डेटा है यहाँ पर, भाई कितना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या टेस्ट दे रहे हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें। बच्चे का नंबर डालना है इसमें, आपका नंबर नहीं डालना है पेरेंट्स लोग, बच्चे का नंबर डालना है इसमें जिससे वो ईसरल में इनरोल्ड है, तब उसकी पूरी रिपोर्ट आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाएगी। तो यार रिजल्ट्स हैं, इनके पेरेंट्स इनके साथ में लगे हुए थे मोस्टली केसेस में, मतलब यार पेरेंट्स का हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता ही है किसी ना किसी लेवल पे, ठीक है। तो यार आपको भी अब अपना रिजल्ट फोड़ना है, आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके मेंटर्स आपके साथ हैं, सबसे बड़ा आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं जो इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो बच्चों यार मतलब आप 9th-10th के बच्चे हो, जेई नीट के बच्चे हो, ये सबके लिए ऐप है, ये सबके लिए, हर इसराइलाइट के लिए ये ऐप है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके गार्जियन के लिए, जो भी आपको मॉनिटर करता है वो ये ऐप डाउनलोड कर लें, आपका नंबर डालें, OTP आएगा आपके पास में और वो आपकी रिपोर्ट देख पाएंगे एनी टाइम विद अ सिंगल क्लिक, ठीक है। तो यार हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं यार आज ही पेरेंट्स को ये ऐप इंस्टॉल करा और ये वीडियो जरूर दिखाएं, पेरेंट्स को करवाओ आप ऐप इंस्टॉल, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बच्चे से कि यार आप अपने पेरेंट्स की जिंदगी आसान बनाओ। देखो उन्होंने पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी आसान बनाने में निकाल दी खुद की, आज आपको मौका मिला है, आज आप उनको ये ऐप इंस्टॉल करवाओ खुद से जाकर, उनको इतनी खुशी होगी ना, मतलब जब मेरा बच्चा मेरे सामने खुद से आ रहा है कि आप ये चीज़ इंस्टॉल कर लो जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, आधा तो सर वो पेरेंट वहीं पे गदगद हो गए, आधा तो उनकी सक्सेस वहीं पे हो गई कि मैंने आज सब कुछ पा लिया, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा देखेंगे, बट मेरा बच्चा मेरे साथ चीज़ें शेयर कर रहा है इसका मतलब मैंने आज सब कुछ पा लिया। तो यार इमोशनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं जब इस ऐप को जब बन रहे थे ना और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आते जा रहे थे, सच में रियलाइज़ हो रहा था कि ये पेरेंट्स की जिंदगी को कितना आसान बनाएगा, वही एम है, वो ही है सारी चीजें, आपके पेरेंट्स को आपकी सारी चीजें इसमें दिख जाएंगी और जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं वो ही अब आपके साथ और अच्छे से लगकर आपके बेटर पर्सनालिटी के लिए, बेटर रिजल्ट के लिए, हर एक बेटर चीज के लिए कंधे से कंधे मिलाकर और अच्छे से चल पाएंगे एक डेटा के साथ, ठीक है। ये बच्चों ये इसकी जो पेरेंट ऐप की जो लिंक है प्ले स्टोर पे तो मिल ही जाएगा, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहां से सीधा क्लिक होके आप ऐप तक पहुंच सकते हैं। तो यार आज ही ये काम सबको करना है, इट्स एक्चुअली अ रिवॉल्यूशन। जो जो भी आपके साथ इन्वॉल्व है उनको हम एम्पावर करते जा रहे हैं, आपको एम्पावर करते जा रहे हैं, एक ही एम है आपका रिजल्ट अच्छा लाना है, व्हाटएवर इट टेक्स आपका रिजल्ट अच्छा लाना है, फिर बोल रहा हूं व्हाटएवर इट टेक्स आपका रिजल्ट अच्छा लाना है, ठीक है। तो चलो पेरेंट्स को इंस्टॉल कराओ, ये गार्जियन को इंस्टॉल कराओ, जो भी आपको बड़े भाई हो सकते हैं वो या जो भी आपको मॉनिटर करते हैं उनको इंस्टॉल कराओ और मचाते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पेरेंट्स को वीडियो जरूर दिखाना ये वाला, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।